अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। शक्कू चूकने वाला नाज़रीन, ज़िला गुजरात के जो है ना एक गांव की स्टोरी आपको सुनाने लगा हूँ। आप इस स्टोरी को सुनने के बाद जो है ना यकीनन आप हैरान परेशान हो जाएंगे हम किस तरह की जो धाइयाँ ना उनको देखते हुए आज यहाँ। मैं 54 साल मेरी उम्र होगी और मैंने कैसे कैसे दौरा द्वार या कैसी कैसी बातें देखी होंगी। नादरीन 1929 में ना इस शक्कू चूकने वाला का जो वालिद था ना, ये जो है ना अपने किसी जानने वाले के साथ जो है ना गांव में एक मेला देखने के लिए जाता है। जब ये मेला देखकर वापस आ रहा होता है ना, तो उसके दुश्मन जो है ना उस शख्स के जो इसके वालिद को शक्कू के वालिद को साथ लेकर मेले जाता है। उस वक्त शक्कू के वालिद की जो उम्र थी ना 7 या 8 साल थी। ये वापसी पर जब आ रहे होते हैं तो घात लगाए उसके जो मुहालिफ होते हैं ना अता मोहम्मद, सरदार मोहम्मद और मोहम्मद हुसैन, ये उसको जो है ना फायरिंग करके हलाक कर देते हैं। जब वो हलाक हो जाता है तो इस मुकदमा कत्ल के अंदर जो है ना शक्कू का वालिद मोहम्मद हुसैन, जिसकी उम्र 7 या 8 साल थी, उसकी शहादत जो है ना बीच में लिख दी जाती है। अब नाज़रीन आप देखें कि इस केस का फैसला जब होता है ना, तो जज ट्रायल के दौरान जब शक्कू के वालिद से जो सवाल जो अब या जिरह होने लगती है, तो जज साहब ये कहते हैं कि यह शहादती कहाँ पर है, तो शहादती जो है ना वो इतना छोटा होता है कि इसके नीचे स्टूल रख के जो है ना इसकी शहादत जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि छोटा सा बच्चा शहादत देता है, और मेरी नज़र में कानून की शिक में जाना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शहादत छोटे बच्चे की होती है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता। अब इस केस का जब फैसला होता है ना, तो अता मोहम्मद को सजाए मौत हो जाती है। इसका एक ही बेटा था, उसका नाम था ग़ुलाम कादर। दूसरा इसका जो भाई है सरदार मोहम्मद, उसको जो है 25 साल सजा हो जाती है और उसे काले पानियों की जेलों में जो है ना भेज दिया जाता है। अब तीसरा भाई जो मोहम्मद हुसैन था, उसको कोर्ट बाइज़त बरी कर देती है। अब नाज़रीन जो अता मोहम्मद था ना, इसको तख्तादार पर लटका दिया गया। और जो दूसरा इसका भाई सरदार मोहम्मद था ना, इसके 4 बेटे थे, याकूब, यूसुफ, लतीफ़ और हनीफ़। ये चारों जो है ना बालग हो रहे होते हैं, तो इनका बाप जो सरदार मोहम्मद था ना, ये काले पानी की जेलों में जो है ना अपनी कैद पूरी कर रहा था। जो इसका बेटा लतीफ़ था ना, वो आगे चल के आपको बताऊंगा, वो लतीफ़ चूकने वाले के नाम से जो है ना कोहराम बर्पा कर देता है, और उसका नाम जो है ना बदमाशी की दुनिया में जो है समझ लें टॉप 1 पर जो है ना उस वक्त गुजरात ज़िले में था। अब नाज़रीन जो शक्कू चूकने वाले का वालिद था ना, ये 8 जमातें पढ़ने के बाद ना अपने ही गाँव के किसी स्कूल के अंदर जो है ना टीचर लग जाता है। जिस वक्त ये टीचर लगता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं वहाँ पर एक खातून थी फातिमा नामी। ये खातून जो है ना बाद में ज़िला गुजरात के कम से कम 20 से 30 गांव के अंदर जो है ना फूलन देवी के नाम से मशहूर हुई है। और ये शक्कू जो था ना, ये नादरीन उस वक्त बिल्कुल अभी पैदा भी नहीं हुआ था। जिस वक्त इसकी माँ का माहौल वहाँ पे ये था कि आए दिन जो है ना उसने अपने खामद मोहम्मद हुसैन को, जो शक्कू का वालद था, उसको शिकायत लगाने के फ़लाँ बंदे ने मुझे देखा है, फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ गुरागारी की है। तो ये जो मोहम्मद हुसैन था ना, इसने अपने डेरे पर उन अफराद को उठवाना और लाकर बुरी तरीके से जो है ना इनके ऊपर तशद्दुद करना और इनको जो है ना बहुत ज़्यादा सजा देनी और उनको मारना कि तुमने मेरी बीवी के साथ जो है ना क्यों उसको घूरा या क्यों उसे छेड़ने की कोशिश की। 1958 में जो है ना शक्कू के वालिद के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम शफकत था। बाद में ये बच्चा जो है ना पूरे ज़िले गुजरात में शक्कू चूकने वाले के नाम से जो मशहूर हुआ है। इसकी 4 बहनें थी। अब नाज़रीन जो इसका भाई सरदार मोहम्मद था ना, ये बांग्लादेश काले पानी की जेलों से जब रिहा होकर वापस आता है ना, तो आते वक्त एक बंगाली खातून के साथ शादी करके उसको साथ ले आता है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये दौर वो था कि किस तरह का जो है ना वहाँ पे माहौल बना होगा कि ये वापस आकर जो है ना बजाय इसके कि अमन की तरफ चलता, ये पंचायतों में बैठकर जो है ना दूसरी पार्टी यानी मोहम्मद हुसैन ग्रुप को जो है ना बुरा भला कहना शुरू कर देता है और लोगों को ये कहता है कि मैं इस मोहम्मद हुसैन को नहीं छोड़ूंगा, इसकी झूठी शहादत के ऊपर जो है ना मैं सजा काट गया हूँ। इसी दौरान है ना ये मामला बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जो मोहम्मद हुसैन था ना, ये स्कूल की नौकरी छोड़ के गाँव में आ जाता है और हर तरह के जो है ना बुरे और हर तरह के जो दुश्मनदार और जो इंतहाई मतलूब अफराद थे उनके साथ ताल्लुक बना लेता है, गठजोड़ कर लेता है, और यही लोगों का आना जाना जो है ना इसको बदमाशी की फील्ड में ले जाता है। अब नाज़रीन जब ये रोज़ का वतीरा बन जाता है ना कि शक्कू की वालदा जो है वो रोज़ाना कुछ शिकायत लगाती है और ये झगड़े जो है ना रूज पकड़ जाते हैं, और इसी असना जो होता है ना जो मुखालिफ पार्टी थी वो यानी सरदार मोहम्मद और अता मोहम्मद ग्रुप, इसके ग्रुप का जो है ना एक बंदा शरीफा पहाड़िया था, उसको तैयार किया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि तुमने हर हाल में जो है ना मोहम्मद हुसैन को जो है ख़त्म करना है। इसी तरह होता है, वो मोहम्मद हुसैन को जो है हलाक कर देता है। ये शक्कू का वालिद था और उसकी हलाकत के बाद जो है ना इसको 14 साल सजा हो जाती है। जिस वक्त शक्कू का वालिद कत्ल होता है ना और इस मुलजम को जो है जो शरीफा पहाड़िया था इसको सजा हो जाती है, तो उसके बाद जो है ना शक्कू की वालदा बशीर चीमा नामी एक शख्स था जो इस कत्ल में जो है ना मेन किरदार था उसका, शक्कू की वालदा फातिमा जो है ना बंदों को कहकर उसे कत्ल करवाती है, और तारीख में ये इस तरह लिखा गया कि उसका सर भी जो है ना इस खातून ने नहीं दिया। और लोग ये बताते हैं कि बशीरा चीमा जो था ना उसको बगैर सर के जो है ना दफना दिया गया था।
अब नाज़रीन जिस वक्त जो है ना शरीफा पहाड़िया रिहा हो गया था ना, तो ये 1974 था और उस वक्त जो है ना शकू की उम्र 16 साल थी। इस लड़के ने जो है ना शरीफा पहाड़िया को कत्ल कर दिया और उसको कत्ल करने के बाद जो है ना इस FIR के दर्ज होने के बाद शकू चूकने वाले का नाम जो है ना तकरीबन आसपास के तमाम गांव में जो है ना गूंजना शुरू हो गया। अब नाज़रीन इस जो है ना शरीफा पहाड़िया के कत्ल के बाद जो है ना शकू साइड पर हो जाता है और इसके जो चाचा और ताया थे ना ये गाँव में खेती बाड़ी कर रहे थे। जो शरीफा पहाड़िया ग्रुप के अफराद थे ना वो आके हमलावर होते हैं और शकू के चाचे को जो है ना गुलाम रसूल को शदीद ज़ख्मी कर देते हैं और इसके चाचे सरदार को मौके पर हलाक कर देते हैं। अब नाज़रीन इस वाक़या के बाद जो है ना शक्कू का भाई जो होता है ना शौकत, वो बदला लेने की नीयत से जो है ना गुलाम कादर जो कि पहले कत्ल में जो है ना 25 साल सजा होने की बजाय सजाए मौत होता है उसका ये बेटा था और गुलाम कादर के बेटे को ना हलाक कर देते हैं और इसके बाद ये भाई भी जो है ना शक्कू के साथ इश्तेहारी और मफरूर हो जाता है। अब 1975 में जो है ना शक्कू का भाई जो शौकत है ना ये गिरफ्तार हो जाता है। ये जब गिरफ्तार होता है ना तो उससे पहले ये फौज में नौकरी कर रहा था और वहाँ पर इसका एक दोस्त बनता है इफ्तिहार शाह और इफ्ते शाह। बाद में इस शख्स का नाम जो है ना उफक की बुलंदियों पर गुजरात में जाकर ना चमका है। सरदार मुंबई जो काले पानी की जेलें काट के आया था ना उसका बेटा लतीफ़ जो है ना वो शक्कू की वालदा जो फातिमा दीन का पीछा करता है क्योंकि उसको ये पता था कि ये औरत जो है ना इतनी इश्तियाल अंगेज है कि ये 100 कत्ल भी करवा के जो है ना बाद नहीं आएगी। वो पीछा करते हैं और सुनने में आया कि कुंजा के जो है ना एक स्कूल के अंदर जो है ना इसकी वालदा भागकर जान बचाने लगती हैं लेकिन हमलावर जो है ना इतनी शदीद फायरिंग करते हैं कि गेट के जो है ना दरमियान में उसकी लाश पड़ी होती है, उसको वो हलाक कर देते हैं। और जब ये औरत हलाक होती है ना तो नाज़रीन आप यकीन करें पूरे ज़िला गुजरात के अंदर इतना यानी कि लोगों के अंदर खौफ पड़ गया था कि ये औरत इतनी सिक्योरिटी लेकर निकलती थी और इतने ज़बरदस्त इश्तियारों की वालदा थी, कौन है जो इसको मार गया। अब नाज़रीन 1979 में जो है ना शक्कू के भाई शौकत की जो है ना बाहर अपनी वालदा के कातलों के साथ जो है ना बराबरी की सतह पर सुलह हो जाती है और शक्कू जो है ना उस वक्त 25 साल सजा हो चुका होता है। अब नाज़रीन जो शक्कू था ना ये सियालकोट जेल के अंदर अपना टाइम गुजार रहा था और इसको तारीख पे जो है ना गुजरात लाया जाता था। ये तारीख पे आता और गुजरात लारी अड्डे के अंदर जो है ना अपने साथ जो गार्ड के मुलाजमीन थे उनको कहता है नाश्ता कर लेते हैं और जब ये नाश्ता कर रहा होता है ना तो वहाँ पर इसका भाई शौकत और वो इफ्ते शाह जो इफ्तार शाह इसके साथ फौज से जो है भगोड़ा था वो भाग के आया हुआ था, ये दोनों अंधाधुंध फायरिंग करके जो है ना शक्कू चूकने वालों को पुलिस कस्टडी से रिहा करवा लेते हैं और दो कांस्टेबलों को जख्मी कर देते हैं। अब 1981 में जो है ना ये सारे मिलकर जो है ना सरदार के बेटे जो है ना गुलाम कादर उसके ऊपर हमला करते हैं और उसको भी हलाक कर देते हैं। यानी कि ये वो अफराद थे जिन्होंने शक्कू के वालिद के साथ मेले से वापसी पर आते हुए फर्द को कत्ल किया था, ये वहाँ से दुश्मनी चली है और आगे इनके गले में ढोल पड़ गया और आप ये देखें कि ये सरदार का बेटा जो है ना वो गुलाम कादर उसका नाम होता है और ये गुलाम कादर को भी कत्ल कर देते हैं। अब नाज़रीन पुलिस जो है ना पूरे गुजरात ज़िले की जो है इनके पीछे होती है और एक जगह पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस वहाँ पे रेड करती है, क्रॉस फायरिंग होती है और अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में जो है ना ये जो इफ्तार शाह और तारे शाह था ना ये मारा जाता है। यानी इफ्ते शाह की मौत के बाद जो है ना एक खलबली मच जाती है कि अब इनके बाजू टूट गए और अब ये पुलिस से नहीं बच सकेंगे। अब नाज़रीन जो सरदार काले पानी की जेल काट के आता है ना शक्कू ग्रिज में जो है ना रंजिश दिल में रख के बैठा होता है और ये लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए जो है ना उसके बेटे हनीफ को जो है ना फायरिंग करके हलाक कर देता है। अब नाज़रीन जो शक्कू था ना इसका टारगेट वो लोग होते थे जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते थे, इसी सपोर्ट की वजह से ना ये एक मोहम्मद रफ़ी नाम का एक शख्स होता है जिसको फायरिंग करके हलाक कर देता है। इस वक्त जो है ना शक्कू का नाम उफक की बुलंदियों पर चमक रहा होता है और लोग सहम जाते हैं और लोग इसकी इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को नहीं देते। ये इतना ताकतवर और इतना बदीद बदमाश हुआ है कि आप इसको पढ़कर देखें, यूट्यूब पर लोगों ने जिसके बारे में बातें की वो सारी प्लांटेड हैं, दो नंबर बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना खतरनाक था कि लोग इसकी मुखबरी भी नहीं करते थे, आप अंदाज़ा लगाएं। शक्कू की जो बहन शायदा थी ना इसकी शादी कालरा दीवान सिंह एक गांव होता है वहाँ पे हो जाती है और ये अपने भाइयों की वजह से जो है ना अपने ससुरालियों के साथ जो है ना हमेशा जो है ना लड़ाई झगड़ा और उनको हर बात पे ये ताना देती, तुम्हें पता है मैं किन की बहन हूँ। यानी कि इस लड़की ने उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था कि ये कुसकने नहीं देती थी, उनको बात नहीं करने देती और इस चीज़ का उसके ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा रंज था। अब नाज़रीन जो है ना इसी दबाव की वजह से जो है ना यानी कि अपनी बहू के दबाव की वजह से उसके भाइयों के मेहनत सुन सुन के जो है ना इसका खामंद और इसका जेठ होता है ना मोहम्मद इकबाल, ये जो लतीफ़ ग्रुप यानी सरदार और ताब मोहम्मद ग्रुप था ना उन अफराद के साथ ज़्यादा सलामता बढ़ा लेते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आपको शक्कू और उसका भाई शौकत चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब नाज़रीन शक्कू की ताकत का ये आलम था कि ये जैगम चट्ठा नामी एक शख्स जो है ना उस
उसको भी कत्ल कर देता है। और ये ज़ैगम चट्ठा वही था जो बाला पीरेदा वाला जो है ना उसको कत्ल करता है, और ये बाला पीरेदा वाला कौन था जो माजूद जुआए वाले को कत्ल करता है। अब नाज़रीन ये जो बाला पीरेदा था ना ये वो शख्स था जिसने लाहौर के अंदर माजूद जुआए वाले को कत्ल किया था, और जब ज़ैगम चट्ठा के हत्थे ये चढ़ा है ना तो इसको जो है ना उसने इलाका गैर के अंदर जो है ना मारा था। यानी ये तारीख में लिखी हुई बातें, बहुत ताकतवर अफराद थे जिनकी मौत के बारे में आपको सुना रहा हूँ। अब नाज़रीन जो था ना 1985 में शक्कू जो है ना अपने एक दोस्त को साथ लेकर जो है ना अपनी बहन के ससुराल जाता है। जब ये वहाँ पर जाता है ना तो उसका खामंद और उसका जेठ पहले जो बदल चुके हुए थे, इकबाल जो है ना शक्कू को कहता है कि ये लड़का कौन है, वो कहता है इसकी सुबह तारीख है तो तारीख के बाद ये कहीं और चले जाएगा, मैंने यहाँ पर चंद दिन रहना है। वो इकबाल उसको कहता है कि यार तुम यहाँ पर रहो, मैं इसको बाइक पर ले जाता हूँ, मोटरसाइकिल पर साथ ले जाता हूँ और तारीख डलवा के वापस ले जाता हूँ। जब ये तारीख पे उसको लेकर जाता है ना तो उधर अदालत में छोड़ कर ना एक इंस्पेक्टर बड़ा मशहूर था उस वक्त, वो सीधा उसके पास जाता है। अब नाज़रीन जो उसका भाई है ना वो उस इंस्पेक्टर को जिसका नाम चौधरी शरीफ भोला था उसको ये कहता है कि भाई मेरे घर रेड कर दो और फौरी तौर पर जो है ना शक्कू को तुम गिरफ्तार कर सकते हो। वो पुलिस इंस्पेक्टर नाम सुनता है, फौरी तौर पे अपने हमरा नफरी लेता है और उस जगह पे रेड करता है जिस जगह की निशानदेही की जाती है। जब पुलिस जाके जो है ना रेड करती है तो शक्कू चूकने वाला इनके काबू आ जाता है, ये रस्सियों की मदद से उसको बांध लेते हैं और वहीं पर तफ्तीश का आगाज कर देते हैं। अब नाज़रीन वहाँ पर बदकिस्मती आप देखें कि वहाँ पर जो है ना एक और नाम था शक्कू कखे वाला, ये जो है ना पहले से टाइम जो है तयशुदा था, मोबाइल होते नहीं थे तो ये टाइम के मुताबिक जब वहाँ पे पहुँचते हैं ना तो शक्कू कक्के वाला एक बहुत बड़ा नाम हुआ है, इसके साथ शेरा सफदर वाला, ये दो अफराद और होते हैं। तो पुलिस वाले जो है ना इनको भी काबू कर लेते हैं और अंदर ही जो है ना तफ्तीश का अमल जारी होता है। अब नाज़रीन वहाँ पर एक और फर्द आता है सही चक चारू वाला, इसके साथ जो वो लड़का तारीफ पे गया होता है ना वो भी वापस आ जाता है। पुलिस इन दो अफराद को भी जो है ना गिरफ्तार कर लेती है, इस जो है ना तफ्तीश कर रही होती है और दौरान तफ्तीश जो है ना इसकी दो बहनें शायद और ज़्यादा भी पकड़ी जाती हैं। पुलिस जो है ना अंदर वहाँ पर तूफान बर्पा कर देती है और तशद्दुद का ये आलम था कि मोहल्लेदार बताते हैं, लोगों ने वहाँ पर तस्दीक किया इस बात की कि वहाँ पर जो है ना पुलिस ने उस सारे इलाके को घेरा हुआ था। और वहाँ पर जो है ना पता लगता है कि इनका भाई जो शौकत है ना वो लाहौर के अंदर किसी जगह पर जो है ना मफरूरी काट रहा है। पुलिस की गाड़ियां वहां से निकलती हैं, जब वो लाहौर में आते हैं ना तो लोगों ने ये बताया कि उससे जो है ना हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। पुलिस जब लाहौर आती है ना नाज़रीन तो यहाँ पर जो है ना शक्कू का भाई शौकत जो है ना वो देख लेता है, उसको अंदाजा हो जाता है कि पुलिस ने मुझे घेर लिया और उसको ये डर होता है कि कहीं ये ना हो पुलिस वाले मेरे ऊपर टॉर्चर करें और मेरे ऊपर ऐसा कोई तशद्दुद का तरीका निकालें कि मेरे मुंह से जो है ना शक्कू का नाम ना निकल जाए। हालांकि उसको ये पता ही नहीं था कि शक्कू को तो पहले पुलिस ने पकड़ लिया हुआ है। वो बेचारा डर के मारे जो है ना पुलिस तशद्दुद से डरते हुए अपने आप को गोली से उड़ा के खुदकुशी कर लेता है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि तारीख के अंदर जो है ना इन अफराद को जो है ना गिरफ्तारी के बाद इनकी मौत का कैसे जिक्र किया गया है, वो ये बताया गया कि इन तमाम गिरफ्तार अफराद को जो है ना पुलिस तशद्दुद से हलाक कर दिया गया और बाद में गोलियां मारकर जो है ना इनको जो पुलिस मुकाबला इनका शो किया गया। उस वक्त पोस्टमार्टम होते नहीं थे, कोई बैलफ कोई अदालतें पूछवाने वाली जो है ना वो नहीं होती थी, इस वजह से जो है ना इनको तशद्दुद करने के बाद हलाक कर दिया जाता है। इनमें जो है ना शक्कू जो है चूकने वाला, शक्कू कक्के वाला, वो जो सही सारू जो चक वाला होता है, ये इसके अलावा जो है सफदर शेरू जो होता है, ये सारे अफराद जो है ना इस पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। जो इसकी बहनें शायद और ज़ाहिदा थीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको भी पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको पुलिस वालों ने जो है ना जेल भेज दिया था। इनकी एक और बहन थी नरगस, जो सुनने में आया कि बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुकी हैं। अब नाज़रीन इस केस के जो वकील थे ना वो चौधरी अतदाद हसन थे। चौधरी अतदाद हसन ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा रिटें की, इन कत्लों के बारे में जो है ना बड़ी आवाज़ उठाई और बड़ा जो है ना जजेस के साथ बहस मुबासा किया, लेकिन इन कत्लों का कुछ नहीं बन सका। और एंड चौधरी अतदाद हसन साहब ने जो है ना इनके घर वालों को कहा कि अदालतें जो है ना वो बिल्कुल अपनी वो जो है ताकत दिखा रही हैं और कतई तौर पर जो है ना इस कत्ल की बाबत इनको ज़र्रती भर भी जो है ना इंसाफ नहीं मिलना। नाज़रीन आप ये देखें कि ये तो सारे मारे गए पुलिस मुकाबलों में, ये नस्ल किस तरह की थी कि इसका बेटा शबरेज था ये शक्कू का ना, उसने जो है ना अपने बाप की हलाकत के कुछ 5-7 साल के बाद जो है ना मोहल्ले के अंदर खेलते हुए जो है ना एक लड़के को खंजर मार के कत्ल कर दिया और वो भी जो है ना कत्ल करने वालों की लिस्ट में उसका नाम पड़ गया। जब शबरेज से लड़का कत्ल हो गया ना तो इसका दूसरा भाई अमरेज था, इसने ना बांग्लादेश की किसी खातून के साथ शादी कर ली और ये दोनों भाई जो है ना एक मफरूर और दूसरा जो है ना वो शादी के चक्कर में जो है ना ये हमेशा के लिए जो है ना अमरीका निकल जाते हैं। उस वक्त अमरीका जाना इतना मुश्किल नहीं था और अब सुनने में आया कि 2022 में ये आके पेश होता है और मुद्दईयों के साथ इसका राजीनामा हो जाता है और जितनी भी पिछली दुश्मनी थी इसका जो है ना बाकायदा तौर पर अख्ताम हो जाता है। अब नाज़रीन आप ये देखें
कि इस दुश्मनी के अंदर जो मेन बताने वाली चीज़ है ना वो ये है कि जो फातिमा थी ना शक्कू की वालदा, ये एक इश्तियाल अंगेज औरत थी। और सुनने में आया कि जिस वक्त इसने जो है ना अपने मुहालफ को जो है अपने मोहम्मद हसैन खामद के कातिल को मरवाया ना, वो बशीर चीमा उसका गालबन नाम था, तो इसने उसका सर भी नहीं दिया। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह की फूलन देवी होगी। सुनने में आया कि ये औरत 24 घंटे अपने साथ पिस्टल लगा के रखती थी, यानी रिवॉल्वर इसके पास होता था, और मर्दों से ज़्यादा गरज वाली इस औरत की आवाज़ थी। और मैं तो यही कहूँगा, जब इस तरह की माएँ होंगी तो औलाद फिर किस तरह की निकलेगी। आप देखिए कि मैंने आपको दर्जनों ऐसे वाक़यात बताए हैं कि औरतों की इश्तियाल अंगेजी और इनके जो डायलॉग बाजी है ना, उसकी वजह से सैकड़ों अफराद जो है ना मौत के आगोश में जाकर सो गए हैं। आप मुझे ये बताएं, अगर इन बच्चों को पढ़ाया जाता है जैसे वो स्कूल टीचर था, तो क्या इसके बच्चे आने वाले वक्त में कोई अच्छी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे, या अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है महफूज नहीं कर सकता था? एक औरत ने जाकर ऊट पटांग बातें करनी शुरू कर दी कि मुझे फ़लाँ ने छेड़ा है, फ़लाँ ने मेरी तरफ घूरा है, तो क्या इसका मतलब आप पूरे जग के साथ दुश्मनी डाल देंगे? जब आप अपने मुखालफिन को बढ़ाते हैं ना, तो नतीजा यही होता है, आपके तमाम मुखालिफ मिलकर जोर लगाते हैं और वो किसी भी तरीके से जो है आपको मौत की आगोश में ले जाते हैं। सारे का सारा ख़ानदान ख़त्म हो गया। अब सिर्फ सुनने में आया कि इनकी एक बहन जो है ना नरगस, वो जिंदा है और वह बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुकी हैं। तो नादरीन, ये इन दुश्मनियों का आगाज़ और ये दुश्मनियों का अंजाम है। मैं इसलिए आपको ये बातें बताता हूँ कि छोटी नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी बात को इग्नोर करना सीखें, वगरना क्या होगा, आपका ख़ानदान भी इसी तरह अंधी गोलियों का शिकार हो जाएगा और टका मूल नहीं पड़ेगा। मेरे प्रोग्राम के बारे में अगर आप कुछ जानते हो या इस गांव के मुतलक कोई ऐसी बात जो मैं आपको ना बता सका हूँ और आपके नॉलेज में हो, यकीनन आप अपना फ़र्ज समझकर नीचे लिखिएगा, मैं भी रिप्लाई करूँगा और लोग भी इसको पढ़ लेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।